नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। यह जो हम जानकारी दे रहे हैं, वीडियो पब्लिश डेट 12 मई 2023 के अनुसार दे रहे हैं। यदि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग होने के चांस मैक्सिमम से मैक्सिमम है, 90% सॉलिड है कि वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग होगी। यह कमेंट से सर्वाधिक पूछा जाता था कि क्या वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है वर्ग 3 थर्ड काउंसलिंग होने का, क्योंकि वर्ग 3 की प्रमोशन लिस्ट जारी होने वाली है। और जैसे ही वर्ग 3 की प्रमोशन लिस्ट जारी होगी, उन्हें उच्च पद पर प्रभार दिया जाएगा, तो वर्ग 3 की वैकेंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कूलों में खाली हो जाएगी। और जब विद्यालय खाली हुए हो जाएंगे तो उन्हें भरना पड़ेगा। और जो कि अभी एमपी टेट में वर्ग 1 और वर्ग 2 की टेट परीक्षा ली जा चुकी है, किंतु वर्ग 3 की टेट परीक्षा नहीं ली गई है। इस कारण से वर्ग 3 की जो थर्ड काउंसलिंग है वह होगी। और जो भी वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं वह बिल्कुल भी परेशान ना हो। वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग होने के चांस मैक्सिमम से मैक्सिमम है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।